लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जी, ना मैं उस रात को भूला हूं ना भूलूंगा जब आपकी और मेरी बहन की इसी जगह हत्या की गई थी। हर साल की तरह तब तक यहां आता रहूंगा जब तक मैं उन तीनों राक्षसों को सजा नहीं दे लेता जिस तरह उन लोगों ने कानून की आंख में धूल झोंक कर हत्याएं की, उसी तरह मैं भी उनको खत्म करके अपने दिल की आग बुझाऊंगा। मैं अपने खानदान की बर्बादी का बदला लेने के लिए ही जी रहा हूं और आपकी कसम खाकर कहता हूं बदला लिए बिना मरूंगा भी नहीं। नाम है नूरजहां, उम्र है 28, सीना है 32, कमर है 36 और आर आर इसे देखिए हुजूर, इसे देखिए, यह है सारा मार यानो फॉरेन टूरिस्ट 36 25 35। जी जी जी, भगवान भला करे। अरे क्या हो गया आशिक अली, तुम्हें हमारी पसंद को अच्छी तरह से जानते हुए भी ऐसा बेहुदा माल लेकर आ रहे हैं? अरे कोई बात होनी चाहिए, कोई बात हो, कोई खूबसूरती हो, कोई तरीका हो, कोई ये हो, कोई वो हो, कोई वो बात जरूर है। इसे देखिए और फरमाइए, एकदम तरोताजा माल है। भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह, भगवान भला करे, ये कोई बात हुई ना हुजूर? कुछ नहीं, बहुत कुछ बात है। नाम है मीना, फिगर है 36 26 35। गजब की कैमरा डांसर है, आपके 3SS होटल की ताजा ताजा डांसर क्रोनी है। अच्छा, हमारे होटल में? जी हाँ हुजूर। अरे अशोक अली, आज तो ये स्लीपिंग पिल खाऊंगा तो नींद आएगी, वरना समझो कि नींद उड़ गई। मुश्किल है, ये अभी तक के अपनी लाइन पे उतरी नहीं आए। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, आप फिक्र नहीं करें, आपके आशिक अली के पास हर मर्द का इलाज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आपके फन की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, और आपके हुस्न की तारीफ करना सूरज को चिराग दिखाना है। कौन है आप? जी मेरा नाम आशिक अली है, दुनिया की खिदमत करना मेरा पेशा है। ये एडवांस कबूल फरमाइए। काय का एडवांस? जी मेरे एक मालिक को रात में अकेले में नींद नहीं आती। ये मेरा एडवांस है, मुझे समझा क्या है, अभी पुलिस के हवाले करती हूँ। क्या आता है, कहीं चोट तो नहीं है आपके हाथ में? भैया हनुमान सिंह, ये तो एडवांस नहीं ले रही, अब तुम ही एडवांस कर जाओ, बढ़ जाओ। भाग लो,
स्टेशन, पुलिस ने उन लोगों को क्यों मारा? उन लोगों ने एक शरीफ लड़की की बेइज्जती करने की कोशिश की। क्या इस देश में किसी लड़की की आबरू बचाना जुर्म हो गया है? तुम कानून को अपने हाथों में नहीं ले सकते। कानून और पुलिस के ऊपर से तो मेरा विश्वास बचपन में ही उठ गया था। हमें तुम्हारे विश्वास से कोई मतलब नहीं। कसूरवारों को सजा दिलाना पुलिस का काम है। मैडम, कसूरवारों को सजा दिलवाने से एक लड़की की लूटी हुई आबरू से लौटा ही नहीं जा सकती। खूनी की गले में फांसी का फंदा डाल देने से एक मरे हुए इंसान को जिंदगी नहीं दी जा सकती। विजय, तुम मिस्टर विजय कुमार सिंह कहिए। आपके कानून का भी कमाल है मैडम इंस्पेक्टर। जो आबरू लूटना चाहते थे वो साफ निकल गए और जो आबरू बचाना चाहता था वो पकड़ लाया गया। अपने कानून की आंखों को किसी अच्छे डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाते आप? शट अप हवलदार। यस मैडम। बंद कर दो इसे। चलाओ। एक्सक्यूज मी। यस, मेरा नाम मीना है। ओ, क्लब वाली डांसर। जी, मैं इनकी जमानत देने आई हूं। क्यों मैडम, आपके कानून के मुताबिक जमानत नहीं ली जा सकती क्या? हवालदार आगा जान। यस मैडम। इस लड़की के दस्तखत लेकर इन्हें जमानत पर छोड़ दो। आइए। थैंक यू। वेलकम। एलपीएस रानी। हवलदार आगा जानी। इस शख्स की तकरीर सुनकर मेरी शेरवानी फट गई। क्या फट गई? शेरवाने। अनुवाद कीजिए हवलदार जी। यदि वार्तालाप में आप ऐसे कठिन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो विचारों का आदान प्रदान असंभव है। कहाँ दस्तखत करने हैं? असंभव है। सॉरी सॉरी। उनका नाम मनु बेटा, तेरी दीदी आई। जा, दरवाजा खोल बेटा, दरवाजा खोल। आइए। ये मेरा छोटा भाई है मनमोहन। नमस्ते। हेलो। मेरी माता जी। नमस्ते माता जी। कौन है ये बेटी? माँ, ये मिस्टर विजय है। आज ये ना होते तो मैं बड़ी मुश्किल में फंस गई होती। एक अनजानी लड़की को बचाने के लिए अपनी जान पर खेल गए। आप अनजानी लड़की नहीं है। मैं हर उस लड़की को जानता हूँ जिसकी बेइज्जती की जा रही हो। क्या क्या हुआ था बेटे? अब कुछ नहीं माँ, कुछ बदमाशों के हाथ पांव में जरा सी खुजली हुई तो मैंने उनकी खुजली मिटा दी, थोड़ी सी पिटाई कर दी बस। हमारे तो भाग ही खोटे हैं बेटे। हम लोगों का पेट भरने के लिए इस बेचारी को नाचना गाना पड़ता है। नाचने गाने में कोई बुराई नहीं है माँ जी। कुछ लड़कियां टाइप करती हैं, कुछ स्कूलों में पढ़ाती हैं, ये नाचती और गाती है, क्या बुराई है इसमें? अच्छा मैं चलता हूँ, फिर कभी आऊंगा। खाना खा के जाइए ना। नहीं नहीं, बहुत देर हो गई है और फिर घर जाके जूते भी खाने हैं। नमस्ते। क्या समझते हैं अपने आप? आ जाने तो इसको तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। अरे क्यों पड़ा रही है, क्या हुआ? तुम्हारे बेटे ने तो मेरा जीना हराम कर दिया। क्या किया है इसने? क्या किया? एक नाचने वाली की रक्षा करने में मारपीट की, पकड़ा गया। एक मामूली गुंडे की तरह पुलिस स्टेशन लाया गया। हे भगवान, कहीं चोट और तो नहीं लगी उसे? नहीं नहीं नहीं, उसे तो कुछ नहीं हुआ। अगर उसने अपना रवैया नहीं बदला तो मुझे नौकरी से इस्तीफा देना पड़ेगा। करेक्ट दीदी, फौरन इस्तीफा दे दो। लीजिए, आ गए आपके सुरमा। देखो दीदी, मैं किसी लड़की का अपमान नहीं देख सकता और तुम जानती हो ऐसा क्यों होता है। वो कमीने उस लड़की का अपमान कर रहे थे। वैसे कमीनों को ठीक करने के लिए इस देश की पुलिस जो मौजूद है। मुझे हंसाओ मत दीदी। पुलिस, कानून, इंसाफ, इन सब का तमाशा मैं भी देख चुका हूँ, तुम भी देख चुकी हो। अरे बेटे, ये तो सोच, तेरी इस हाथापाई से बहन की बदनामी होती है। ये थानेदार का भाई है। मैं कहीं और रहने का बंदोबस्त कर लेता। माँ की बात इतनी बुरी लगी कि बहन को छोड़कर चले जाएंगे? तो मैं क्या करूं दीदी, मेरे दिल में जो आग लगी हुई है वो मुझे जलाई जा रही है। मैं उसकी बात सुनिया तुम्हारी मेरी, क्योंकि वो आग तुम्हारी सगी बहन नहीं है। है।
वो आग मेरी एक सगी बहन की चिता की है। मेरी आंखों के सामने उसकी लुटती हुई चीखती चिल्लाती एक रोती हुई इज्जत की आग है, मेरे खानदान की बर्बादी की आग है, मेरे पिता की हत्या की आग है। इस आग से मेरा रिश्ता है दीदी, ये आग उन तीनों के खून से बुझेगी। हत्या करोगे? हाँ, क्योंकि उन्होंने मेरे पिता और मेरी बहन की हत्या की है। उन्होंने मेरे पिता और मेरी बहन की भी हत्या की है, जबी तो मैंने ये पुलिस की नौकरी की ताकि उन्हें उनके किए की सजा दिला सकूं। मैं उन तीनों को कुछ देना नहीं चाहता दीदी, चाहे हो सजा ही क्यों ना हो। उन्होंने जान ली है, मैं सूद समेत उनकी जान लूंगा। मैं उस कानून की तरफ मुंह करके न जागना चाहता हूं न सोना, जिसने उन हत्यारों को छोड़ दिया। कानून के पास कोई सबूत नहीं था। लेकिन मेरे पास सबूत है दीदी। मेरे जीते जी तुम कानून को अपने हाथों में नहीं ले सकते। कानून इतना मैला है दीदी कि उसे अपने हाथ में लेकर मैं अपना हाथ गंदा करना चाहता भी नहीं। ओ, तो इसका मतलब तुम्हारा हाथ बहुत साफ है। चलो चल के खाना खाते हैं। मुझे भूख नहीं है। मुझे तो भूख है। तुम खा लो। अच्छा जी, सीधी तरह चलते हो या एक चांटा मारो? चला